होगा, जब भी काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होती है कि जब भी हम रेविट की फाइल को FBX फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लुमिन में इंपोर्ट करते हैं, तो आपके मटेरियल आपके यहाँ से हाइड हो जाते हैं और इस टाइप में आपकी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट होती है इन लुमिन। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम रेविट के मटेरियल को एज इट इज लुमिन में देख सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा, स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये रेविट की एक फाइल है, अगर मेरे को इस फाइल को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है उसमें ल्यूमिन में, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, देखो तो जो भी मटेरियल हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, हम फाइल पे क्लिक करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और FBX फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हैं। मान लो मैंने FBX फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और डेस्कटॉप पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ एज ए FBX फोल्डर, मैंने एक बनाया है यहाँ पे और मैंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद जब भी हम लुमिन पे जाते हैं, यहाँ से अगर मैं लुमिन को ओपन करता हूँ, यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं अपनी फाइल को, FBX पे गए और इस पे क्लिक करके आप इसे यहाँ से ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एंड ओके करें। जैसे ही आप यहाँ पे ल्यूमिन पे लेके आते हैं तो आप देखेंगे ध्यान से, तो आपकी फाइल कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगी, कुछ इस वे में आपकी फाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी रेविट की फाइल को। तो कोई भी यहाँ पे मटेरियल नहीं है, तो अब प्रॉब्लम फेस क्या होती है कि जब भी हम मटेरियल लगाते हैं तो वो सभी को इस टाइप से लेता है, आप क्लासेस को अलग तरीके से नहीं देख पाते, ठीक है। तो इस बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मटेरियल मैंने रेविट में लगाए हैं वो मैं एज इट इज यहाँ पे शो कर पाऊँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे यहाँ पे और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे रेविट टू लुमिन ब्रिज, हम एक ब्रिज बनाएंगे रेविट टू लुमिन के बीच में, ताकि आपका जब आप रेविट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक लुमिन की आपको टैब नजर आएगी। तो इसके लिए आपको गूगल पे जाना है, रेविट टू लुमिन ब्रिज पे क्लिक करना है और डाउनलोड लुमिन लाइव सिंक्रोनाइज आप यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ से आप ऑटोडेस्क की आईडी से आप यहाँ से साइन इन करें, जो ऑटोडेस्क की आईडी है, तो उसके बाद ही आप यहाँ पे लुमिन सिंक्रोनाइज फॉर रेविट प्लगइन यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर किसी के पास 2016 से 2021 वर्जन है तो, और लुमिन 8.3 और 11 के बीच में है, तो आप यहाँ से डाउनलोड लिंक है यहाँ पे, और लोवेस्ट वर्जन के लिए भी आपको यहाँ पे लिंक अवेलेबल है। आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है और आपकी फाइल यहाँ पे इंस्टॉल होगी और आप उस फाइल को यहाँ से सिंपली डाउनलोड करें। ये डायरेक्टली ऑटोडेस्क पे आपको लेके जाएगा, आप साइन इन करें, साइन इन करने के बाद आप इसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे, तो आप जब रेविट को ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक टैब में आपकी एक लुमिन की टैब भी यहाँ पे आपको नजर आएगी। तो इसके बाद आपको करना क्या है, दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली इस फाइल को स्टार्ट कर सकते हैं लाइव सिंक्रोनाइज विद लुमिन, बट कभी कभी क्या होता है कि आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको ये एरर आ सकता है, लुमिन लाइव सिंक्रोनाइज इज नॉट वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर, कोई होस्ट फाइल हैक है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपको ये फेस हो रहा है कोई बात नहीं, आप क्या करें, आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज कोलाडा फाइल, कोलाडा फाइल में आप एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट टू लुमिन पे यहाँ पे ऑप्शन आएगा, कोई ऑप्शन आपको नहीं छेड़ना, आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है कलेक्ट टेक्सचर, अगर आप इसे चेक करते हैं तो आपके टेक्सचर की फाइल भी वो अलग से वहां पे क्रिएट करेगा, तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। और मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक और फोल्डर बना देता हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हो न्यू फोल्डर ही आप यहाँ पे डालें या कुछ भी आप डाल सकते हैं, और मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट टू के नाम से सेव किया। अब अगर आप डेस्कटॉप पे जाके इस चीज को देखते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं डेस्कटॉप पे जाके इस फाइल को, ये मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप है और ये मैंने फाइल बनाई, तो यहाँ पे देखेंगे टेक्सचर का एक अलग से फोल्डर इसने बनाया है और ये जितने भी टेक्सचर आपने यूज किए हैं अपने प्रोजेक्ट में वो टेक्सचर आपको यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे ये आपकी एक कोलाडा फाइल यहाँ पे बन जाती है। अब आपको करना क्या है, अब आप ल्यूमिन पे जाएं, अब एक न्यू फाइल को इम्पोर्ट करें, आप यहाँ पे जाएं न्यू पे और इस फाइल को जब आप यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें, 3D ऑब्जेक्ट फाइल पे क्लिक करें,
ताकि आपको फलाड़ा फाइल यहाँ से नजर आए, आप इस पे क्लिक करें, ओपन करें। ओपन करने के बाद ये प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी एक बार इंस्टॉल किया हुआ है और इसमें अपलोड किया हुआ है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे कोई भी। ओके करें। ओके करने के बाद अब जैसे आप इस फाइल को यहाँ पे लेके आएंगे तो आप देख पाएंगे आपकी फाइल विद मटेरियल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी कुछ इस तरीके से। क्लियर है? ये फाइल है आपकी FBX फॉर्मेट, ये फाइल है आपकी FBX फॉर्मेट जो आपको इस तरीके से नजर आ रही है, और ये फाइल आपकी कोलाडा फाइल जो आपको इस तरीके से नजर आ रही है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अब अगर आपको ग्लासेस के मटेरियल चेंज करने हैं तो आप डायरेक्टली ग्लासेस के मटेरियल चेंज कर सकते हैं, किसी भी चीज के आप मटेरियल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और एक और चीज मैं इसके साथ में आपको बताना चाहूंगा, मान लो मेरे को यहाँ पे किसी भी वॉल पे एक डिफरेंट कलर यहाँ पे अप्लाई करना है, बट लुमिन क्या करता है कि जो सेम कलर है उसको आप वन टाइम में ही आप क्लिक कर पाएंगे। तो उसके लिए आप दोबारा से रेविट पे जाएं। रेविट पे जाने के बाद मान लो मैंने मॉडिफाई पे गया और मैंने यहाँ से एक पेंट यूज किया, और मैंने कोई भी पेंट, मान लो ये वाला पेंट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, ये मैंने यहाँ पे यूज किया, दूसरे वाला पेंट मैंने यहाँ पे यूज किया, कुछ भी ऐसे सेम ही पेंट है, और मैं और भी कोई यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर इस तरीके से यहाँ पे चाहिए मुझे। क्लियर है? यहाँ पे अलग चाहिए, यहाँ पे अलग चाहिए। तो मेरे को क्या करना है, रेविट पे जाना है, यहाँ से कलर को चेंज करना है। कलर को चेंज करने के बाद आप इसे दोबारा से लुमिन पे जाके एक्सपोर्ट करें एज कोलाडा फाइल, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। आप एक न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं न्यू नेम से, या फिर आप इसी फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके करेंगे, आप इसे रिप्लेस करें। रिप्लेस करने के बाद देखो क्या होगा, दोनों का सिस्टम अलग है। अब आपने वहां पे रिप्लेस किया है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाएं, आप अपनी फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक री इम्पोर्ट मॉडल का ऑप्शन है, आप ऊपर पढ़ पाएंगे री इम्पोर्ट मॉडल में। अगर आप डायरेक्ट, अगर आपने अपने मॉडल को ओनली रिप्लेस किया है तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक कर दें, आपका फाइल री इम्पोर्ट हो जाएगा और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि वो डिफरेंट मटेरियल आपके यहाँ पे आ चुके हैं और डिफरेंटली आप इनको कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफरेंटली आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कलर को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने किसी न्यू नेम से सेव किया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं दोबारा से रेविट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे अलग से पेंट को चेंज करता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप अच्छे से सीख सकते हैं। मान लो मैं यहाँ से कोई भी एक मटेरियल यहाँ पे यूज करता हूँ, टाइल मटेरियल मान लो मैंने यहाँ पे यूज किया, ये देखो मैंने यहाँ पे यूज किया, और यूज करने के बाद मैंने क्या किया, इसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट और एक न्यू नेम से एक्सपोर्ट कर दिया, प्रोजेक्ट 3 मैंने यहाँ पे नेम रखा एंड ओके। अब मान लो मैंने न्यू उससे सेव किया है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे री इम्पोर्ट करता हूँ, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अगर मैं अब ओनली री इम्पोर्ट पे क्लिक करूंगा, मान लो मैंने री इम्पोर्ट पे क्लिक किया, तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि वो प्रोजेक्ट 2 को ही इम्पोर्ट कर रहे हैं। बट अगर मैं चाहता हूं कि वो वाले चेंजेस आए जो मैंने न्यू नाम से मैंने फाइल को सेव किया हुआ है, एक प्रोजेक्ट 3 को मैंने सेव किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे होल्ड डाउन द अल्ट की इफ द फाइल नेम एंड और लोकेशन हैज चेंज। तो आप अल्ट प्रेस करके आप इस पे क्लिक करें तो आप उस फाइल को क्लिक करें एंड ओपन करें, तो इसकी जगह आपकी वो वाली फाइल यहाँ पे आ जाएगी और डिफरेंटली आप देख पाएंगे इन कलर को आप डिफरेंटली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी कलर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे करके आप अपनी फाइल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, कैसे लुमिन में आप इस चीज को इम्पोर्ट कर सकते हैं और अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत सारे इश्यूज थे रेविट से लुमिन में, जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो मटेरियल का काफी बड़ा इश्यू आता है, तो ये इश्यू यहाँ पे सॉल्व आपका हो जाता है। तो ये था आज की वीडियो में, और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसमें आपको 3ds Max SketchUp, Revit आर्किटेक्चर, लुमिन और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेगी जिनसे आप बहुत ही सारी चीजें सीख सकते हैं। और आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी वहां से फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे और रेंडर्स वगैरह आपको दिखते रहे। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सॉरी काफी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, काफी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आगे मैं ट्राई करूंगा कि डेली बेसिस पे मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।